Follow-ups are very important to improve your weight loss outcomes. So in the first 1.5 year, which is the weight loss period, you should come for your scheduled, follow-up visits, because it's been seen that at people who are, coming for regular follow-ups, their weight loss is at least 10% more than people who do not make for the follow-up visits. And later, follow-ups are important when you are not following the guidelines. Like we spoke to a few people जिन्होंने बताया कि थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है. सो ये सही टाइम है कि आपने मीटिंग में ज्वाइन कर लिया एंड यू आर कनेक्टिंग विथ अस. क्योंकि जो बेरियाट्रिक डाइट, वाइटमिन एडवाइस और जो आपके एनुअल टेस्ट हैं, वो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद स्पेसिफिक हैं. तो ये है कि जो नॉन बेरियाट्रिक डाइटिशियंस हैं या जिम इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं, वो उनकी एडवाइस शायद आपके लिए हमेशा रेलेवेंट नहीं हो. क्योंकि नॉर्मली अ डाइटिशियन विल एडवाइस अ लो कैलोरी डाइट फॉर यू, बिकॉज दे बिलीव लो कैलोरी डाइट से ही वेट लॉस होगा. लेकिन आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, सो फॉर यू द फोकस शुड बी ऑन एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक. सो सर्जरी के बाद हम कैलोरीज काउंट ही नहीं करते हैं. आर फोकस इज टोटली ऑन वेदर यू आर टेकिंग एडिक्वेट प्रोटीन्स और नॉट. वैसे ही कोई जिम इंस्ट्रक्टर, अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट हैं, तो वो हमेशा आपसे कार्डियो एक्सरसाइजेस करवाएंगे कि आप ज़्यादा ट्रेडमिल पे कैलोरीज बर्न करें. लेकिन काफ़ी लोग, आप लोग जानते हैं कि हम बताते रहते हैं कि आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस देना है. तो उसके लिए ये है कि यू शुड बी कनेक्टेड टू योर बेरियाट्रिक प्रोग्राम, सो दैट यू नो विच आर योर फोकस एरियाज. फैमिली डॉक्टर्स तो ज़्यादातर मुंबई में तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में जानते ही हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है कुछ सिटीज़ में, मुंबई के बाहर, इतना उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो और कभी कभी चैलेंजेस हो सकते हैं. बट वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू स्पीक टू देम एंड सॉर्ट आउट अगर कोई इश्यू हो रहा है आपको. करीब 1/4 लोग जो सर्जरी करवा रहे हैं, वो उनको डायबिटीज भी है. सर्जरी के बाद शुगर्स नॉर्मल हो जाती हैं और आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स बंद हो जाती हैं. लेकिन यू कैन नॉट, मतलब आप एकदम लाइटली अपना डायबिटीज़ को नहीं ले सकते हैं. यू शुड गेट योर HbA1c चेक एवरी 3 months. तो ये है कि हर 3 महीने में जिन लोगों को सर्जरी के पहले डायबिटीज़ थी, उनको अपना HbA1c ज़रूर चेक करवाना चाहिए 3-4 महीने में. ऐसा नहीं हो कि 1 साल 2 साल तक आपने HbA1c चेक ही नहीं किया है. और सर्जरी के बाद वेट लॉस के साथ में जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या थायराइड है या यूरिक एसिड है, इनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. तो जब कभी आप फॉलोअप विजिट्स पे आते हैं और आप बताते हैं कि हमें थोड़ा सा उठने पे चक्कर आ रहा है, तो हम लोग बताते हैं कि भई आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके अपनी बीपी मेडिसिंस को कम कर लीजिए. ठीक है, तो अगर आप टच में नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि फैमिली डॉक्टर को ध्यान में ही नहीं रहे कि ये सब मेडिसिंस की डोसेज कम करनी है. थायराइड यूरिक एसिड तो हमें ब्लड टेस्ट से ही चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए ये है कि अपना टाइमली विजिट्स ज़रूरी हैं. जो दूसरे वेट के साथ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करने के लिए, देखने के लिए कि उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है. और जो फीमेल्स अपना चाइल्ड बेयरिंग एज में है,
उनके लिए सर्जरी का 1.5 ईयर के बाद प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली सेफ आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ सर्जरी, बट सभी को यू नो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड लेवल चेक करना है एंड इट शुड बी नॉर्मल. एंड उसके अलावा ये है कि वंस यू आर प्रेग्नेंट यू शुड फोकस ऑन गुड न्यूट्रिशन and adequate supplement intake, and it's better that your gynecologist is aware that you have had a bariatric surgery. Otherwise, there is no issue with pregnancy because, you know, with weight loss, the hormones improve. There are a lot of, you know, young patients who have PCOD issues and the hormones are better after weight loss. अब न्यूट्रिशन की बात करें तो आज आमना ने प्रोटीन्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है. सर्जरी के बाद बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, लेकिन जब भी वेट लॉस होता है अलोंग विथ द फैट लॉस यू लूज सम अमाउंट ऑफ मसल एज वेल. सो यू नो एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक विल सी दैट यू डोंट लूज मसल and your metabolism also doesn't slow down. So protein intake is very important for adequate weight loss. Uske alawa maine do cheeze aur include ki hai, constipation and vomiting, kyunki many people believe that these are, you know, this is very, you know, common after surgery, okay, this is normal after surgery to be constipated or to have vomiting. But I would like to say that, you know, constipation is not normal. Some people can have constipation after surgery, but if you are constipated, you should take safe laxatives. You can include fiber supplement and exercise. You know, because the stools should not be hard because it can lead to fissure formation, which could have been avoided with you know, timely laxative intake. And vomiting can be more problematic. So, ye hai ke first follow-up visit se we say that you should never vomit. There are, you know, many reasons why you can vomit after surgery. So if you are eating fast or taking large bites or drinking, you know, liquids with your meal or spicy food, you are having spicy food later, you know, 3 months later. But vomiting can damage the food pipe and it can also cause severe vitamin deficiencies. So you should not even vomit once after surgery. If you are vomiting, then you should, you know, get in touch with the team and sort it out. ये है कि you get a reminder from us for, you know, your test, to get the test, bariatric test done. But, you know, iron, calcium and folic acid levels are, along with other vitamins, are checked in your, you know, test list. Lekin for iron and calcium levels, we do some, you know, different tests to know whether they are deficient or not. Like calcium ke liye, we check the parathyroid hormone. And iron ke liye we, you know, do a complete iron study with serum ferritin levels, jo normal health checkup mein ya normal physician nahi karwate hain. So kaafi log bolte hain ki humne apne test karwa liye hain jo hamare doctor ne bataye the aur wo sab normal hain, lekin usme ye sab specific vitamins to check hi nahi hue hain. So, you know, it is not relevant for you to just do a general checkup. So, aapka jo bariatric checklist hai, wo saal mein ek baar bhi karwaya, to we will know that everything is fine. Aur ye jo values hai, lab values hai, unka interpretation bhi thoda aapke liye different hai.
क्योंकि वाइटामिन B12 और वाइटामिन डी के जो डिजायरेबल लैब वैल्यूज हैं दे आर हायर देन यू नो द लोएस्ट नॉर्मल लैब वैल्यूज. जैसे B12 लेवल है, इफ यू चेक इन द रिपोर्ट दे से समवेयर फ्रॉम 180 और 190 योर B12 इज नॉर्मल, बट वी वॉन्ट योर B12 लेवल्स टू बी एटलीस्ट अबव 400. सो you know if you are interpreting your reports yourself and stopping your vitamins, it's not correct. So you should get in touch with us and continue with the vitamins even if the lab values are normal. तो अपने आप अपने vitamins बंद नहीं करने हैं. जो भी आपको last prescription है उसको आपकी नेक्स्ट विजिट तक कंटिन्यूड रखिए. कुछ लोगों को हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा वेट रीगेन की इश्यूज आए, तो करीब देखा गया है कि हो सकता है 15-20% लोग लॉन्ग टर्म में अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाए. तो कुछ रीजंस जैसे कि कैलोरी डेंस फूड, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इनके बारे में आप जानते हैं. लेकिन अगर आप पानी पीते हैं खाने के साथ में तो भी आपका वेट रीगेन हो सकता है. और पोषण कंट्रोल ईटिंग बहुत ज़रूरी है. तो अभी तो जिन लोगों की रीसेंट सर्जरी हुई है लास्ट 6 महीने या 1 साल में, तो हम पोषण कंट्रोल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. पहले भी डॉक्टर गोयल बहुत अच्छे से पोषण कंट्रोल हमेशा डायग्राम बना के आपको बताते थे कि कैसे पोषण कंट्रोल ईटिंग करना है. लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ हो सकता है कि वो पूरी बात आपको अच्छे से ध्यान में नहीं आए. तो अगर वेट रीगेन हो रहा है तो जब थोड़ा वेट गेन हुआ है, केवल 1-2 किलो की गेन हुआ है, तभी से आप टच में आ जाइए. तो जो भी करेक्शंस करने हैं हम तभी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा हो जाता है तब टाइम लगता है वेट लॉस करने के लिए. लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 10 किलो के ऊपर भी गेन करने के बाद उन्होंने लूज किया है. पोषण कंट्रोल ईटिंग पे तो अभी एक पेशेंट ने डेजी करके हैं, उनका भी कुछ 8-10 किलो वजन कम हुआ था और डॉक्टर गोयल ने फॉलोअप में उनको अच्छे से पोषण कंट्रोल ईटिंग वापस एक्सप्लेन कर दिया. और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ही उन्होंने वेट लॉस किया और ग्रुप में भी शेयर किया है. मैंने चेक नहीं किया अगर डेजी हैं यहाँ पर या नहीं. ये अभी लास्ट 1 ईयर बहुत मुश्किल समय रहा है काफ़ी लोगों के लिए. और वैसे भी अब स्लीप पे बहुत फोकस हो रहा है कि अच्छी स्लीप, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए. तो जिन लोगों की डिस्टर्ब स्लीप है या जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपने आप मतलब अपनी विल पावर से या उससे ओवरकम करने की बजाय ये है कि काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं, तो उनको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी. तो ये है कि सर्जरी के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यू आर मैरिड टू योर बेरियाट्रिक सर्जन. आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, बट आई वुड डेफिनेटली say that you are married to the bariatric team for life. So ye hai ki hamesha aap touch mein rahenge to healthy rahenge.